हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक डेडिकेटेड येस और नो रीडिंग है। लाइक आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है, कुछ भी है आपके मन में जिसका जवाब आप एंजल से, यूनिवर्स से चाहते हो येस और नो में, और उनका कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि अगर येस है तो क्यों है और नो है तो क्यों है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी सवाल आपके मन में आते हैं आप वो पूछ सकते हो, एंड मैं आपको बताऊंगी कि जो भी सवाल आपके मन में है उसके लिए यूनिवर्स का जवाब क्या है, और अगर वो येस है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस निकालेंगे, और अगर नो है तो वो क्यों नो आया है उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर रैंडमली अभी आपके सामने ही तीन ग्रुप्स बनाऊँगी, ओके। तो पहले ग्रुप के लिए जो कार्ड्स है वो ये है और ये है। दूसरे ग्रुप के लिए है ये और ये। तीसरे ग्रुप के लिए जो कार्ड्स है वो ये है और है ये। ओके, तो ये है बेसिकली वो कार्ड्स जो हम देखने वाले हैं, जहाँ पे आपके सवालों के सारे जवाब हैं, जो भी आप जानना चाहते हो। ये पाइल नंबर वन है। मैं कोई ऑप्शन चूज़ करने के लिए यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, सिर्फ आपको 1 2 3 ऐसे ही याद रखना है इसको, क्योंकि मैं क्विक रीडिंग कर रही हूँ, मैं कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फास्ट हम एक रीडिंग करेंगे आपके सवालों के जवाब जानने के लिए। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तो आपको इन्हीं में से चुनना है। तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके मन में कोई जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब येस ये है या नो है, और उसके लिए हम एक गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपके लिए इस वक्त एक नो जवाब आया है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे लगता है पहली बात तो आपको, आपने इस सिचुएशन में पूरे होप्स ऑलरेडी खो दिए थे, फिर भी मुझे लगता है कि आप डटे रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया इस सिचुएशन में अभी तक, लेकिन इस कगार पे आ चुके हो आप कि आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। एंड मुझे लगता है आपको इस सिचुएशन को अब छोड़ देना चाहिए पीछे। ये सिचुएशन आपको और अच्छा आगे कुछ नहीं दे पाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपको इस सिचुएशन ने डिसअपॉइंट किया है ओवरऑल ही। मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। इमोशनली नहीं सोचना, इमोशनली सोचोगे तो लॉस होगा, प्रैक्टिकली रैशनली सोचिए और इससे ना सीखिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, और इसको और ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने लाइफ में, आगे बढ़ जाइए। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए यही था। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। नाइट ऑफ कप्स है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका जवाब है येस। मुझे लगता है कि ग्रुप नंबर 2 आपको धैर्य रखना है, पेशेंस, क्योंकि जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो ये होगा, लेकिन टाइम लगेगा। पहले थोड़ा आपको इस सिचुएशन के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रगल है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको, बट अपनी इंटेग्रिटी मत खोइए, बहुत ज़्यादा नीडी मत बनिए, बहुत ज़्यादा बेग मत कीजिए उस सिचुएशन के लिए। अगर ये चीज़ खुद ब खुद आपके पास आती है तो ठीक है, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आपको ये चीज़ का एहसास होने लगेगा कुछ समय बाद कि ये सिचुएशन आपको कुछ बेटर नहीं दे रही है, उल्टा आपको ड्रेन कर रही है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सोचना चाहिए। बहुत इमोशनली या बहुत प्रैक्टिकली सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, और बस एक चीज़ याद रखनी है, पेशेंस, और बहुत ज़्यादा नीडी नहीं बनना है इस सिचुएशन में। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 के लिए था। पाइल नंबर 3 के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो 2 ऑफ वंड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 8 ऑफ कप्स है। आपके लिए येस है ग्रुप नंबर 3, क्योंकि मुझे लगता है कि सिचुएशंस इस वक्त फेवरेबल नहीं है जो भी आप सोच रहे हो,
इस वक्त फेवरेबल नहीं है, आप काफ़ी समय से वेट करे जा रहे हो, वेट करे जा रहे हो, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, आप गिव अप करने के कगार पे हो, सॉरी बट मुझे लगता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपको लकीली आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है और चीज़ें जो बंद पड़ गई है या जो नहीं हो पा रही है इस सिचुएशन में वो अचानक से होना शुरू कर देगी। तो जब आप छोड़ देने के कगार पे आ जाओगे इस सिचुएशन को और कहीं और देखने लगोगे, आपका फोकस जब इस सिचुएशन से बदल जाएगा, हट जाएगा, तब ये सिचुएशन होगी। ओके, तो होप्स मत खोइए। अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि ये सिचुएशन मुझे ड्रेन कर रही है या मुझे इसमें और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो आगे देखिए, आगे के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको सही टाइम पे ये जो भी है उससे मिला देगी। ओके, तो यही थी रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई है नहीं हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक चिपका दीजिएगा एंड हमारे चैनल यानी कि मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।